हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ अलग ही ट्रिक से हम बताने वाले हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम पेंसिल्स वाले ऑप्शन पाएंगे। पेंसिल वाले ऑप्शन पाने के बाद से जो आपको यहाँ से बेसिक का ऑप्शन दे रहा है, अब बेसिक में जो ये पहली पेंसिल है गाइज, तो इसके बारे में हम जानेंगे फुल डिटेल में कि मतलब इस पेंसिल से होता क्या है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो गाइज़, इस वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे इस पेंसिल से कि क्या काम होता है इस पेंसिल से हमारा फ़ोटोज़ के अंदर। तो हम इस पेंसिल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद से हम इसकी सेटिंग पे आ जाएंगे। सॉरी, इसकी यहाँ से सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग पे आने के बाद से गाइस, हमको करना क्या है, हमको इसका ओपेसिटी 100% पर रखना है। ठीक, 100% पर हम लोग कर लेंगे। अब इस पेंसिल से हम अपने कपड़े का कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। तो गाइज, यहाँ से हमको आना है एडवांस पे, जो आपको यहाँ से एडवांस का ऑप्शन दिख रहा है, तो एडवांस वाला ऑप्शन पाएंगे। उसके बाद से पहले वाला जो ऑप्शन ये दिख रहा है, इसे हम लोग ओपन करेंगे। ठीक, ओपन करने के बाद से गाइज, हमें इसे प्लस में कर लेना है और इसे भी प्लस में कर लेना है। ठीक, उसके बाद से इसे हम लोग बंद कर देंगे। बंद करने के बाद से स्टैम्प का ऑप्शन दूसरा नंबर पर दे रहा है, जो ये स्टैम्प वाला, तो इसे हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से गाइज, जो हमें ये पहले ऑप्शन दे रहा है, इस वाले ऑप्शन को हम लोग माइनस कर लेंगे, जीरो पर रखेंगे, जो यहाँ से दिखा दे रहा है 0.1। तो गाइज, इसे हम लोग 0.1 पर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद से इसे बंद कर देंगे। सो फ्रेंड, हम इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद से गाइज, अब यहाँ से कट कर देंगे। इतना सेटिंग करने के बाद से गाइज, तो सब कुछ ये सेटिंग आप स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो एडिट करने में फ़ोटोज़। तो स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा आप। उसके बाद से यहाँ से लेयर आप पे क्लिक लीजिएगा, डुप्लीकेट लेयर नकली, तो लेयर पे टिक क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ से प्लस का ऑप्शन से आप एक लेयर नकली ले लीजिएगा। लेने के बाद से फिर हमको यहाँ से अपने फ़ोटोज़ को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद से अपने फ़ोटोज़ पे कुछ इस तरह से पेंसिल्स को चला देना है। ठीक, तो अच्छी तरीके से आप बिल्कुल चला लीजिएगा पेंसिल्स को। ठीक, चलाने के बाद से कुछ इस तरह से आपका फ़ोटोज़ हो जाएगा। तो मतलब हम आपको बता दे रहे हैं, अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो ऐसे करने के बाद से गाइज, हमको फिर यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन पाना है। ठीक, लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद से फिर हम अपना यहाँ से लेयर खोल लेंगे। खोलने के बाद से आपको जो ये ऑप्शन दे रहा है ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग और यहाँ से नॉर्मल, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो इसे हम लोग ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद से गाइज, यहाँ से जो यहाँ से लीनर बर्न का ऑप्शन दे रहा है, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद से गाइज, कुछ इस तरह से हमारा कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा। तो गाइज, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा कपड़े का कलर चेंज हो चुका है। तो मतलब इस पेंसिल से आप कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं, और भी खास इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। सो फ्रेंड, इसका खास ट्रिक एक और है। तो सबसे पहले तो हम लेयर वाला ऑप्शन पा जाएंगे। फिर से लेयर वाला ऑप्शन पाने के बाद से हमें ये डुप्लीकेट लेयर पे थे। ठीक, तो हम अब अपने रियल लेयर पे आ जाएंगे, रियल वाली फ़ोटो पे। तो इस तरह से क्लिक करके आप रियल फ़ोटो पे आ जाना। तो यहाँ से बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद से गाइज, फिर हमें यहाँ पेंसिल्स वाले ऑप्शन पे आना है। तो पेंसिल्स वाले ऑप्शन पर आने के बाद से ये हमने फ़ोटो मतलब कपड़े का कलर चेंज करने के लिए सेटिंग की थी। तो अब हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे इसी ब्रश से। तो हमें फिर यहाँ से इस वाले बेसिक वाला ऑप्शन पर आ जाना है। एडवांस सेटिंग से निकल कर बेसिक वाला ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो बेसिक वाला ऑप्शन पर आने के बाद से गाइज, हमें ऊपर की साइड में ये ऑप्शन दे रहा है ब्रश टाइप्स का, तो इस वाले ऑप्शन को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से इस तरह से आपको बहुत से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस ऑप्शन को ले लेंगे, सम डेज को, तो ये वाला ऑप्शन ले लेना। ठीक, तो गाइज हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं ये वाला ऑप्शन। सेलेक्ट करने के बाद से फॉलो आपको 100% पे नहीं रखना है। तो यहाँ से आपका फॉलो 100% पे है, और आप अपने फ़ोटो के हिसाब से अपनी साइज रख सकते हैं। तो हम फॉलो बता दे रहे हैं कितना पर रखना है, तो फॉलो को कम कर लेंगे। फॉलो को हमें 6% पर रखना है। उसके बाद से यहाँ से और कुछ नहीं करना है,
इसकी साइज़ यहाँ से 25.0 पे ही रहेगी, इतना ही इसकी साइज़ है और इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है साइज़। तो सिंपल से यहाँ से कट कर देंगे आप। कट करने के बाद से अपना फ़ोटो जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद से गाइज हम अपने फेस पे कुछ इस तरह से ब्रश को चला लेंगे। तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं खूब अच्छी तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। सो गाइज इस तरह से आप इसमें फेस स्मूथ भी कर सकते हैं। उसके बाद से गाइज एक और हम ट्रिक बता दे रहे हैं। सो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप अपने फेस स्मूथ कर सकते हैं, फेस स्मूथ। तो गाइज हमें यहाँ से बैक कर लेते हैं हम इसे, ठीक। सो फ्रेंड बैक कर लिया है। बैक करने के बाद से सो फ्रेंड फिर वापस हम आ जाते हैं अपने यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, ठीक। तो पेंसिल वाले ऑप्शन को खोलेंगे और उसके बाद से इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। तो सेटिंग में आने के बाद से हम इस वाले ऑप्शन में गए थे टाइप्स ब्रश में, तो ब्रश टाइप्स में गए थे। तो ब्रश साइड टाइप में जाने के बाद से ये हम उस टाइम ये हम सेटिंग किए थे, उस टाइम में ये वाला हम लोग सम डेज यूज किए थे फेस स्मूथ करने के लिए। तो एक और भी ट्रिक है फेस स्मूथ करने के लिए इसमें, तो सेंटिक पेंट इसमें दे रहा है ये वाला ऑप्शन, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन जो है सेंटिक इसमें पेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन लेने के बाद से कुछ आपको यहाँ पर कुछ दिखने को मिलेंगे नहीं, वाइट वाइट सा दिखेगा बट जनाएगा नहीं कुछ इस तरह से। उसके बाद से कट कर देंगे, यहाँ से कट करने के बाद से अपनी फ़ोटोज़ को जूम कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम अपने फेस पर अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में ये ब्रश हमें फेस स्मूथ और कपड़े का कलर चेंज करना बताया है गाइज। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसकी जो दूसरे नंबर पर पेंसिल्स है तो इसकी भी फुल ट्यूटोरियल बता दूंगा कि इसका क्या काम है गाइज। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा।